जिस घर के आंगन में ये नीली बत्ती की गाड़ी आती है वो आंगन बहुत ही भाग्यशाली होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये गाड़ी लाने वाला बेटा है या बेटी। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। एक तरफ पैसों से कमाई हुई ब्रांडेड एसयूवी, दूसरी तरफ ये नीली बत्ती की गाड़ी, जिसे हासिल किया है परागी ने काबिलियत और मेहनत के दम। इसकी तो बात ही अलग है। इसके आगे हर गाड़ी फेल है। संजीत तुम ठीक हो ना? ठीक नहीं हूं, बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। कई बार जब सपने पूरे हो जाते हैं तो यकीन नहीं होता ये सपने पूरे हुए भी हैं या नहीं। छू के देख लो, देख लो कि तुम्हारा सपना हकीकत बन चुका है, वो सपना जो तुमने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से कमाया। ये देखो, नीली बत्ती की गाड़ी आके सही से खड़ी भी नहीं हुई और इस परागी ने अपने संजू को पीछे खड़ा कर दिया। चिची बिल्कुल सही कहती थी, ये तो बस शुरुआत है, आगे पता नहीं और क्या क्या दिखाएगी। बेचारे संजू को सब देखना भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। यहां तक पहुंचना मेरी मंजिल थी, पर मंजिल पर पहुंचकर भी रास्ते खत्म नहीं होते। मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अब एक आईएएस ऑफिसर को अपनी मंजिल ढूंढनी। ओम साईंराम, आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश की सेवा में अपनी जी जान लगा सकूं। जय हिंद मैम, मैं अरुण मिश्रा आपका पीएम है। जय हिंद मिश्रा जी। सॉरी मैम, आपको छुट्टी वाले दिन बुला लिया। मुझे बुलाना आपकी ड्यूटी और आपने तो बस अपनी ड्यूटी की। सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? नए डीएम साहब आने वाले मैम, आप तब तक चार्ज भेजिए कैबिन का। गो स्ट्रेट देन लेफ्ट मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आप दूसरे काम देख लीजिए, आई विल मैनेज। ओके।
पारागी का वीडियो कॉल? ऐसे कैसे मैं? हाँ बरू, क्या हुआ? संजू, अब ना अपनी धड़कन को कंट्रोल करके रखना और वो देखना जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम्हारी परू आईएएस की कुर्सी पर बैठी है। ये देखो मेरे सामने टेबल पर क्या है, पराकी पाठक। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, सब कुछ वैसा है। और ये देखो पेन स्टैंड है ना, बिल्कुल सरकारी ऑफिस वाला, दो पेनों को संभाले। बचपन की जैसे सरकारी ऑफिस की यादें होती है, बिल्कुल वैसा लग रहा है ना। और ये देखो मैंने हमारा वाला पेन यहाँ पे सजा दिया। परागी, वो वॉल पे क्या है? नेशनल एम्बलम। मैं याद है ना, आज सुबह सुबह मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन का प्रॉमिस किया था तुमसे, और ये सब दिखा के तुमने मुझे खुद मोटिवेट कर दिया। अपने ऑफिस में पहले दिन अपने कैबिन में, इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है? थैंक यू सो मच संजू। देखना तुमने एक बार ठान लिया है ना, तो अगले साल ऐसा ही एक सरकारी ऑफिस होगा, ऐसा ही एक कैबिन होगा, ऐसी ही टेबल होगी, और ऐसे ही आईएएस वाले पेन से तुम साइन करोगे। आईएएस परागी पाठक, प्लीज प्लीज एक बार मेरे सामने कुर्सी पे बैठ जाओ ना, एक बार मैं अपनी परू को आईएएस परागी बनता हुआ तो देख लूं। मैडम साहिबा तो बड़ी अच्छी लग रही है। एक मिनट, ठीक है काम पर ध्यान दो। मेरी क्या गलती है? हस्बैंड की गलती है, वो है ही इतना क्यूट। अच्छा वो डीएम सर से मीटिंग हुई? नहीं अभी तक तो नहीं, वो शायद कहीं बिजी होंगे। तुम शाम तक आ जाओगी ना टाइम से? नहीं आई थिंक आज ज्यादा काम नहीं है, तो डीएम सर से मीटिंग करके आ जाऊंगी। तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लव यू। आई लव यू टू। 7 बजे तक आ जाऊंगी। बाय। के आशीर्वाद से सब हो गया। पसंद आई? आप नाराज थे तो मुझे लगा इस बार मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट रह जाएगा। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे विनोद जी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू सुषमा जी। एक्चुअली परागी और संजू के रिश्ते को लेकर हमें मतभेद हो सकता है, लेकिन ये मतभेद को हम मन का भेद नहीं बनने दे सकते। हम एक माँ और बाप बाद में हैं सुषमा जी, पहले पति पत्नी हैं। और आज भी मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और ये आप अच्छी तरह से जानती हैं।
संजू, आई नो तुमने कुछ बहुत स्पेशल प्लान किया होगा, पर यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी अभी। ड्यूटी इज प्रायोरिटी, आई एम श्योर ये तो तुम भी समझोगे। मिस परागी? यस सर। और भी फाइल्स हैं जो आपको स्टडी करनी है? कमाल, पहले बोला निकल गई हूँ, अब कॉल रिसीव नहीं कर रही है। कोई लास्ट मोमेंट में कोई अर्जेंट काम तो नहीं आ गया? अगर आ भी गया तो प्लीज फोन उठा के बता तो सकती है। बाल मजदूरी गरीब बच्चों के लिए यह श्राप है जो केवल एक पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के साथ साथ पूरे देश को झेलना पड़ता है। भोपाल के बाहरी इलाकों के साथ साथ मंदीदीप की फैक्ट्रियों से भी चाइल्ड लेबर्स की कंप्लेंट्स आती रहती है। जो लोग बाल मजदूरी करवाते हैं हमें उनसे जेल की मेहनत और मशक्कत करवानी चाहिए। सर, इस इशू को गहराई से समझने के बाद और इसके बारे में रिसर्च करने के बाद मेरे पास कुछ सजेशंस है। सर, अगर हम रेड प्लान करते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही देते हैं, फिर वो बच्चों को डरा धमका कर चुप भी करवा देते हैं। प्लीज कंटिन्यू। सर, अगर हमें चूहे को उसके बिल से बाहर निकालना है तो उसे रोटी के टुकड़े का लालच देना होगा। ये बाल मजदूरी करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो अगर हम उन्हें उनका फायदा दिखाएं, जैसे कि कानून की कुछ सब्सिडीज उन्हें दें वगैरह, तो वो लोग कानून के डर से नहीं बल्कि अपने फायदे के लालच से खुद सामने आकर बाल मजदूरी बंद करवाएंगे। मिस परागी, आपको क्या लगता है आप पहली ऑफिसर हैं जिसके दिमाग में चूहे को बिल से बाहर निकालने का आइडिया आया है? नो सर, आई एम श्योर कि मैं पहली ऑफिसर नहीं हूँ जिसने ये सजेशन दिया है, पर क्या हमने इस आइडिया को कभी भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है? समेरी रिसर्च कहती है कि अगर हम ट्राई करें तो नतीजा अच्छा मिल सकता है। वेल मिस परागी, ये रहा आपका पहला असाइनमेंट। कल जाकर कुछ फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन करके आइए और जाने से पहले इस फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे क्रॉस वेरीफाई करना मत भूलिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर इस असाइनमेंट के काबिल समझने के लिए। वन मोर थिंग, जोश जोश में कल फैक्ट्री मालिकों के सामने कोई लालच देने की नई स्कीम लेके मत पहुंच जाइएगा। आपका काम है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी जांच पड़ताल करना। कल शाम तक रिपोर्ट आप मुझे सबमिट करेंगी। आई होप आप मुझे रिपोर्ट देंगी, बहाने नहीं। सो कैन आई प्लीज से समथिंग? यस प्लीज। जो कुछ ट्रेनिंग में हुआ उसे भूलकर क्या प्लीज हम आगे बढ़ सकते हैं? आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, अब आप जा सकती हैं। यस बेबी, देखा एक माँ की लाचारी, इसकी शादी की बात चलाऊं तो दुख होता, ना चलाऊं तो भी दुख होता। अरे मेरी बेटी की 100 अच्छाइयों पर एक कमी भारी पड़ जाती है, मैं क्या करूं? भाभी, अब आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आपके सिवा आशी के बारे में सोचता ही कौन है? एक संजू है जो सिर्फ परागी में बिजी है, और दूसरी तरफ विनोद भाई साहब ने तो संकल्प ले लिया है, परागी को ही अपनी बेटी मान लिया है। खुद की बेटी की तो उनको बिल्कुल परवाह ही नहीं है। देखिए, आपने जिन लड़कों के रिश्ते भेजे हैं, जब तक उनके परिवार के साथ में मिल नहीं लेता तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, समझे? मेरी दोनों बेटियां
आशी और परागी, इन दोनों की जिंदगियों की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। भाभी, जिज्जी की कही बातों को मानने का टाइम अब आ गया है। आपको ही आगे बढ़कर इस घर को संभालना होगा। प्लीज शांत हो जाएगी, प्लीज। कैसे शांत हो जाओ संजू, तुम्हारी तरह मैं आशी की भी माँ हूँ, उसकी शादी की फिक्र लगी रहती है मुझे। माँ, मुझे भी उनकी शादी की चिंता है। आशी थी मेरी बड़ी बहन, छोटा भाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि उनकी शादी जिस भी लड़के के साथ हो, वो उनको उनकी खूबियों के साथ अपनाए, ना कि सिचुएशन का फायदा उठाए। आप समझ रही ना माँ, मैं और पापा कुछ फैमिलीज से मिले भी हैं। तू सच कह रहा है सज्जू? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। और आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आशी दी की शादी सही वक्त पे सही लड़के के साथ और सही तरीके से होगी। भोपाल की सबसे बड़ी शादी होगी आशी दी की शादी। अब आप थोड़ा सा स्माइल कीजिए। तू जहाँ पैरागी को लगा, परागी हो क्यों? आपको लगाऊंगा। अगर खराब हो भी गए आपके नेल्स तो बहन थोड़ी नहीं चिल्लाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी शादी को लेकर मां के मन में कई सारी परेशानियां चल रही हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हो? ऑनेस्टली बोलो संजू, हर एक लड़की अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहती है जिससे उसे प्यार हो जाए। देन नेक्स्ट स्टेप शादी, तेरे और परागी की जैसे। सच में तुम दोनों बहुत लकी हो। एंड टच वुड, मैं हमेशा तुम दोनों के लिए प्रे करती हूँ, हमेशा। आई नो दी, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? प्यार हो या शादी, एक परफेक्ट पार्टनर का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, पर मैं सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं करना चाहती हूँ। जिससे प्यार होगा उससे शादी हो, ये चाहती हूँ। ऐसा होगा कि नहीं होगा संजू, इसका डर है। मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट करके मुझसे प्यार कर पाना मुश्किल है ना संजू। मोस्टली तो ये हो सकता है कि लोग सिर्फ इसलिए नाटक करेंगे क्योंकि हम लोग वेल ऑफ फैमिली से। दी, मैं प्रे करूंगा कि आपको आपका मिस्टर परफेक्ट जल्दी मिल जाए। वो क्या है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है वो। आप फिक्र मत कीजिए। और ये जो ऐसे एमए वाले रिश्ते जो आते रहते हैं, इनको तो मैं आपके आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर कोई कमी नहीं है दी, आप बहुत स्पेशल हो।
सारी तैयारी पूरी हो चुकी माँ। हाँ। मैं और बाकी। अच्छा माँ, आपने अक्की को भी बुलाया? आने दो उसे, बताता हूँ। जब से बिजनेस के सिलसिले में भोपाल से बाहर गया, तब से यहाँ का रास्ते ही भूल गया। हाँ बाबा, हाँ उसको भी बुलाया, आता ही होगा। आता ही होगा नहीं आंटी जी, आ गया। हेलो, आ गया। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? एकदम अच्छी हूँ। अंकल जी, कमीने हैंडसम हो गए। ठीक है वो एक्टिंग मत कर। अच्छा बेटा, भोपाल वापस आने का इरादा या रुड़की रहना है? अबे ठीक से घर में आने तो दे, घर में आते इतने सवाल कौन करता है यार। अरे तो इतने टाइम बाद मिला तो सवाल तो पूछूंगा ना। And I'm really sorry यार, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। बट भाभी कहाँ है? भाभी से तो मिलवा। वो एक्चुअली अक्षय, ऐसे तुम्हारी भाभी ऑफिस गई और शायद पार्ट के लिए भी नहीं पहुंच पाएगी। अगर तुम्हें उसे मिलना है तो पूजा के बाद घंटों तक बैठकर वेट करना पड़ेगा, तो मिलेगी। इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो रही तेरी भाभी। पीछे जाके बैठो, पीछे जगह। पापा, हम संजू की शादी में नहीं आ पाए थे, लेकिन उसकी शादी में कुछ तो बड़ा कांड हुआ था जिसकी आग अभी तक चल रही है। बस इसी आग की आंच में हमें अपनी रोटियां सेकनी है। यजमान, पूजा के प्रसाद में एक पीला फल भी चाहिए। माँ एक मिनट, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। आप पूजा खत्म होने के बाद ही उठिएगा। सरप्राइज। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अपने ऑफिस में सेफ हो, इस नीली बत्ती गाड़ी में सेफ हो, पर मेरा दिल किया तुमसे मिलने का तो मिलने आ गया। थोड़ा सा मिस कर रहा था तुम्हें। तो बोलिए, आईएएस ऑफिसर परागी पाठक जी, आपकी गाड़ी में लिफ्ट मिलेगी? आपके साथ ड्राइव पे जाने का इरादा था, लॉन्ग ड्राइव पे। सर आपने तो आगे बढ़कर छक्का मार दिया। मैं अरुण मिश्रा, मैडम का पर्सनल असिस्टेंट। और मैं संजय पाठक, मैडम का पर्सनल पति। आप लोग जाइए सर, ड्राइव एंजॉय कीजिए। और वैसे भी अभी रोड तो खाली है। जी चले। सर एक बात कहूँ? हाँ
अगर वाइफ आईएएस ऑफिसर है तो पति को नीली बत्ती की गाड़ी में सवारी करने का मौका मिल जाता है। सॉरी सर। सॉरी क्यों बोल रहे हैं मिश्रा जी, बात तो आपने एकदम पते की है। मेरी पत्नी को गाड़ी मिली मेहनत से और मैं बैठ रहा हूं इसमें किस्मत से। जो कहा आपने एकदम सही कहा। थैंक यू सो मच सर, ये बात आपने हंसी में टाल दी। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद दिल पे ले लेता। बिल्कुल भी नहीं। बाकी हस्बैंड्स को ऐसी बातें दिल पे लग जाती है और वाइफ्स घबरा जाती है, पर मैं अक्सर इन बातों पे गर्व महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझ पे गर्व है। एंड दैट्स व्हाई माय हस्बैंड इज द बेस्ट हस्बैंड। लड़कियों का कभी कुछ नहीं हो सकता। कि क्या कहते, मैंने तो इतना खा लिया कि गले गले तक पैक हो गया। थैंक यू सो मच अंकल जी। पता है बनाने वाले की ना मेहनत वसूल हो जाती है अगर खाने वाले से तारीफ मिल जाए। ऑफ कोर्स। बट भाभी मजा आ गया सीरियसली, मतलब मुझे जिम जाने के लिए ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और आज मैंने इतने गुलगुले खा लिए, बस अब तो डाइजेस्ट करने तो जाना ही पड़ेगा ना। जिम तो जाना ही चाहिए रोज, और गुलगुले अच्छे कैसे नहीं बनते, पर आगे ने जो बनाए। माई वाइफ इज द बेस्ट। हाँ, तुम्हारी वाइफ परागी नहीं संजू, मेरी बेटी परागी इज द बेस्ट। नो नो नो, माय भाभी इज द बेस्ट। अबे तू ज्यादा मत बोल रही है। माय भाभी इज द बेस्ट। ओके, फैसला मैं करूंगा। न तुम्हारी पत्नी, न आपकी बेटी और न तुम्हारी भाभी, हमारी बहू रानी इज द बेस्ट। ये मेरी प्यारी बहू रानी के लिए। अंकल जी ये क्या है? रिश्वत। रिश्वत? हाँ। हम लोगों में बहू को शगुन देते हैं। अब चूंकि आप आईएएस ऑफिसर हो इसलिए मैं रिश्वत दे रहा हूं। प्रेम नारायण जी आप ये मजाक कर रहे हैं ना? नहीं भाई साहब, मेरा एक बहुत जरूरी काम है जो आईएएस परागी पाठकी कर सकती है, इसलिए मैं रिश्वत दे रहा हूं। अंकल जी पापा सही बोल रहे हैं। अंकल जी आप प्लीज साफ साफ बताइए क्योंकि ये रिश्वत वर्ड सुनते ही मुझे टेंशन हो रही है। अंकल जी आखिर बात क्या है? मैं मेरा ऑफर आईएएस परागी पाठक को एक बार फिर से देता हूं। हमारे यहां बहू को शक। दी ये चाय में चीनी घोलना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपके दिल में क्या घुल रहा है। देखिए आपका नारायण अंकल और उनकी फैमिली के साथ क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानती,
पर आजकल मैं इतना जरूर समझ गई हूँ कि जिन निगाहों से आप अक्षय को देखते हैं आपके दिल में उसके लिए कोई ना कोई स्पेशल जगह है, राइट? वैसे तो आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर फिर भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि भाभी नंद का जो रिश्ता होता है वो सहेलियों के जैसा होता है, बहनों के जैसा होता है, इसलिए आप मुझे बताइए क्या है। एक्चुअली मैं अक्षय को पसंद करती हूँ बहुत पहले से। तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक कुछ? परागी, जब आपकी कमी आपका इंट्रोडक्शन हो और अचानक से आपके सामने एक परफेक्ट राजकुमार आपके घर पर आपका हाथ मांगने आए, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि वो सच में आपके लिए आया है। बचपन से हमेशा मेरी कमी को हाईलाइट किया गया है। ये सब हो रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस साथ में डर भी लग रहा है कि ये सपना तो नहीं है। आई अंडरस्टैंड आशीति, जैसा आप कह रही हैं वैसे मैंने भी अपने बचपन में बहुत कुछ देखा है, फिर अचानक से मेरी जिंदगी में संजू आ गया जो मुझसे इतना प्यार करता है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ लेकिन वो सच निकला। अगर आपका दिल गवाही देता है तो ही हाँ कहिएगा, अगर जरा सा भी भरोसा ना हो मत कहिएगा, पर बस अपने दिल की सुनिएगा। आई लाइक हिम, आई रियली लाइक हिम। आगे मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जैसी अच्छी लड़की के साथ सब कुछ अच्छा होगा आशीति, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करती हैं। और आपका डर थोड़ा और दूर करने के लिए आपकी भाभी आपसे वादा करती है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अच्छा चलिए, बाहर आप ही का रिश्ता हो रहा है, चलिए आइए। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम ही लोग आ गए। अब आएगा इन गुलगुलों का असली मजा। जिन गरीब बच्चों को बचपन में चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफी, लॉलीपॉप ये सब मुश्किलों से मिलता है ना, तो वो इसको चबा कर पूरी तरह से इसका स्वाद लेना चाहते हैं और इसी तरह से चबा चबा कर खाते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। चलिए, एक बात तो कॉमन है हम दोनों में, हमारा बचपन और उसकी गरीबी। सर आई एम डैम श्योर कि बच्चों को यही आइसक्रीम और लॉलीपॉप का लालच देकर यहाँ बुलाया गया और वो यही काम करते हैं, और इंस्पेक्शन के पहले उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। वेल, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी। जब तक हम इस बात को प्रूफ नहीं कर देते हमें इन पर कड़ी नजर रखनी होगी। यस सर। I'm really sorry, sir. रागी, वो सब ठीक है ना? अंकल जी, बॉस का काम है डांटना, वाइफ का कॉल है हस्बैंड को कॉल करना, मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। नहीं नहीं बहू, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम नौकरी करती हो, कोई गुलामी नहीं करती हो, और ये नौकरी तो आज है कल नहीं, लेकिन बेटा परिवार और पति हमेशा रहेंगे। अंकल जी ये बात आप समझते है ना, बॉस तो बॉस के लिए दिखाएंगे। खैर अब काम धाम और बॉस को अल्पविराम दो, अब तुम आशी और अक्षय की शादी की तैयारी शुरू करो, क्योंकि तुम उनकी भाभी हो। हाँ, अब तुम आगे बढ़ के ये सब काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? जी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अच्छा ये कहाँ फंस गई हूँ मैं साइना जी, ये केस भी मेरा है और इन लोगों की यारी रिश्तेदारी दोस्ती भी मेरे ससुराल वालों के साथ है। आशीदी की शादी हो रही है, इस घर में सब लोग कितने खुश हैं, अक्षय भी संजू का कितना अच्छा दोस्त है, पर अपने घर की मजबूरी की वजह से मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकती, और अगर ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उसे भी इग्नोर नहीं कर सकती। पर
अपने काम की वजह से अपने रिश्ते नातों को कैसे इग्नोर कर दूं? कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप साइनाथ जी? क्या करूं?